वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने को है और इससे पहले पूर्व खिलाड़ी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लेकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने विश्व कप से पहले सूर्य कुमार यादव को भारत के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बताया है। उनका मानना है कि सूर्या भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे। वहीं एक बल्लेबाज है जो परंपरा से अलग अपने शॉट से गेम बदल सकते हैं। हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सूर्य कुमार यादव के प्लेइंग 11 में होने से इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि रविंद्र जडेजा को जरूरत के हिसाब से टॉप पे खिलाया जाए और अगर जरूरत हो तो सूर्या को भी टॉप पे खिलाया जा सकता है। वनडे वर्ल्ड कप 2011 की विश्व विजेता टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे भज्जी ने कहा कि सूर्या एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो 30 या 40 गेंदों में 60 से 70 रन ठोक सकते हैं। उन्होंने विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर कहा कि विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर लगभग एक जैसे बल्लेबाज हैं। वे सिंगल और डबल्स में रन बनाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन सूर्या ऐसे बल्लेबाज है जिनका स्ट्राइक रेट तगड़ा होता है। रोहित शर्मा को उन्हें ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर 4 विकेट गिर भी जाए तो बिना विकेट गवाए रन बनाने की जिम्मेदारी सूर्या ले सकते हैं। जरूरत पड़ी तो वे बड़े शॉट से रनों का अंबार भी लगा सकते हैं। वह काउंटर अटैक करना जानते हैं। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खूब जमकर हाथ दिखाए थे। उन्होंने बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए 2 मैचों में हाफ सेंचुरी जड़ी थी। उन्होंने मोहाली में 50 जबकि इंदौर के होलकर स्टेडियम में नाबाद 72 रन ठोके थे। फिलहाल सूर्या T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर है। पिछले एक साल से वह T20 में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वनडे में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। इसे वह स्वीकार भी करते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने इस फॉर्मेट को क्रैक कर लिया है।